2019 में जीत के लिए मोदी ने बताया प्लान। ट्रिपल आई का फॉर्मूला हर कार्यकर्ता ले जान। इस फॉर्मूले से बीजेपी को 2019 में मिलेगी 300 सीट। 2014 की तरह बीजेपी फिर करेगी कांग्रेस को बीट। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। साल 2014 में बीजेपी ने मोदी लहर पर सवार होकर अकेले दम पर 282 सीटें हासिल की थी। इस जीत के बाद बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ता ही गया और एक के बाद एक कई राज्यों में जीत हासिल की। लेकिन करीब चार साल बाद हाल ही में जब 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकल गए। इस हार के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में 2019 को लेकर आशंकाएं बढ़ने लगी, जो पीएम मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत दक्षिण के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान भी देखने को मिली। दरअसल 20 दिसंबर को पीएम मोदी दक्षिण के पुडुचेरी, कांचीपुरम, विल्लुपुरम और दक्षिण चेन्नई के बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे। इसी बीच तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नई की एक बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएम मोदी से सवाल किया कि 2014 में हमने 282 सीटें हासिल की थी, इस बार हम 300 सीटें हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सर, वी गॉट 282 सीट्स इन 2014 सर, दिस टाइम वी वांट टू अचीव मोर देन 300 सीट्स। व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दिस सर, व्हाट शुड वी डू टू अचीव दिस। कार्यकर्ता के सवाल पर पीएम मोदी ने 2019 के चुनाव में 300 सीटें जीतने के लिए 3 अहम मंत्र दिए, इन्फॉर्म, इंक्रीज एंड इंप्रूव। आई विल गिव यू अ सिंपल 3-पॉइंट मंत्र टू अचीव दिस, इन्फॉर्म, इंक्रीज एंड इंप्रूव। इन्फॉर्म, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इन्फॉर्म यानी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचना दें। घर से स्वास्थ्य तक, स्वच्छता से क्षमता तक, हर उम्र और समाज के लिए योजनाएं हैं। हम योजनाओं के लाभार्थियों को जुटाकर उन्हें और लोगों को प्रेरित करने का काम कर सकते हैं। इंक्रीज, पीएम मोदी ने दूसरा मंत्र इंक्रीज यानी विस्तार के बारे में बताते हुए कहा, हमें अपने दायरे को बढ़ाना होगा। हमें हर बूथ कार्यकर्ता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि वो योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें और उन्हें बताएं कि केंद्र सरकार नागरिकों के जन कल्याण के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रही है। इम्प्रूव, 2019 में 300 सीटें हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को तीसरा मंत्र इम्प्रूव यानी सुधार का देते हुए कहा कि हमें लोगों के साथ मिलकर रेपो सुधारने की जरूरत है। बीजेपी कार्यकर्ता बाकी सभी पार्टियों से अलग और परिश्रमी हैं। हमें सभी तरह के लोगों जैसे महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, युवा और प्रोफेशनल्स के पास जाना होगा और जितने अच्छे काम किए गए हैं उनके बारे में बताना होगा। जिन लोगों को गलत जानकारी दी जाती है उन्हें सही जानकारी देनी होगी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को इन 3 मंत्रों के सहारे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का फॉर्मूला तो बता दिया है। अब देखना यह है कि हार से निराश कार्यकर्ताओं में बीजेपी पीएम मोदी के ट्रिपल आई फॉर्मूले से कितना जोश भर पाती है, जिससे 2019 के चुनाव में 282 सीटों से आगे बढ़कर 300 प्लस सीटें बीजेपी हासिल कर सके और एक बार फिर बीजेपी सत्ता हासिल कर सके।